आज इस हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ये गौरवमय पल है, जहां एक तरफ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ओपीडी की शुरुआत हुई और वहां दूसरी ओर कोविड-19 के टीकाकरण की दूसरी डोज को संपूर्णता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह अवसर हमारे लिए है। पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिलासपुर से जिनका बहुत भावनात्मक रिश्ता, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि के नाते भी आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कई वर्षों तक रहे और हिमाचल प्रदेश के हमारे सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडवीय जी, भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी और यहां हमारे बीच में सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सबका नाम लेने में क्षमा चाहूंगा, वक्त लगेगा, सभी माननीय विधायकगण हमारे बीच में यहां पर मंच पर यहां इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि विधायक रहे भाई रणधीर शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुभाष सिंह जी, स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक महोदय, अन्य सभी यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी 31 स्थानों से जुड़े हुए वहां पर भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के विधायकगण भी हैं। मुझे आज के इस कार्यक्रम में बहुत प्रसन्नता अपने बीच में यहां पर मंच पर उपस्थित नेतृत्व को देख करके हो रही है। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आने का यहां पर निश्चय किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडवीय जी का भी मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में यहां पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई अनुराग ठाकुर जी तो यहां के सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैंने कहा कि हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता का यह पल है कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों ने सुना था कि एम्स और ये होता क्या है, जाकर के दिल्ली मिलता था, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर का सफर करने के पश्चात ये संस्थान मिलता था जहां किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं लेनी होती थी।
और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स हिमाचल के अंदर बिलासपुर में, बिलासपुर की धरती पर, हिमाचल की धरती पर आज जमीन पर खड़ा हुआ दिख रहा है। और विशेष तौर से इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस महत्वपूर्ण संस्थान का यहां पर शिलान्यास करने का जब कार्यक्रम किया था, एक शुरुआत हुई थी। लेकिन उस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। और ये एम्स बिलासपुर की धरती पर बने, हिमाचल के लोगों को इसकी सुविधा मिले, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा उपहार के रूप में ये हिमाचल को मिला। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। काम चला, आगे बढ़ा और आज संस्थान हमें दिखाई दे रहा है, जमीन पर खड़ा एम्स अब सेवा देने के लिए हिमाचल के लोगों के लिए तैयार होता दिख रहा है। और आज एक बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के तौर पर ओपीडी की शुरुआत होना, यह अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बेहतरीन घड़ी है हमारे हिमाचल वासियों के लिए। और उसके लिए भी मैं आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय नड्डा जी के साथ साथ में भाई मनसुख मांडवीय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, भाई और बहनों। और इसके साथ साथ में दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर में हमने कोशिश की हम बेहतरीन कार्य कर सके। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों की तरह जिन्होंने अच्छा काम किया है उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक विशाल विषय है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बावजूद भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अब आगे बढ़ करके जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं सुबह के कार्यक्रम में जो हमारा हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक विशेष मैराथन का कार्यक्रम दिल्ली में किया गया, जो हमारे हिमाचल के वासी दिल्ली रहते हैं, मैं उस कार्यक्रम में भी इस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि हिमाचल आकार में छोटा है, जनसंख्या में छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी बड़े कार्य करने में सफल हो रहा है। इस बात के लिए हमको प्रसन्नता की बात है। आज ये हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार और केंद्र की सरकार में भाई अनुराग ठाकुर जी बहुत महत्वपूर्ण महकमे के साथ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां आज कोविड का ये टीकाकरण का अभियान पूरे देश भर में बहुत तेज गति से आगे चल रहा है और उसमें मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में भारत ने टीकाकरण के इस अभियान में पहला स्थान हासिल किया। 100 करोड़ का टीका का आंकड़ा पार करने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत को एक दिशा दी। वहीं पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर टीकाकरण में आया है। पहली डोज पूरी हुई, काम कठिन था, मुश्किल था, हिमाचल के पहाड़ों में चल करके पहुंचना, पहाड़ों के रास्ते में से नदियां पार करके पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, सब लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया।
और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और हम सफलतापूर्वक कोविड के पहला टीकाकरण में भी पूरे देश भर में पहले स्थान पर आए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा दूसरा टीकाकरण का अभियान भी सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचा, अपने मुकाम तक पहुंचा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नड्डा जी तो सारी चीजों से वाकिफ हैं, इसलिए आपके ध्यान में सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर हैं। कुछ दिलचस्प बातें इस कोविड की वैक्सीन की, जब हम ये पहली डोज का ये लक्ष्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बैठे हैं, इनके साथ बातचीत की, हमने कहा कोई छूटा तो नहीं है। तो बात करते करते बात आने लगी कि बाकी तो हम लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा करने के, लेकिन एक गांव है जिसको बड़ा बंगाल बोलते हैं, जहां लगभग चार दिन एक तरफ चलने को लगते हैं और चार दिन वापस आने के लिए लगते हैं, वहां कैसे किया जाए। हमने कहा कोई वहां पर जो गांव में लोग रहते हैं, बड़ा बंगाल कांगड़ा जिला का हिस्सा है, हमने वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली, डिप्टी कमिश्नर को के कहा आप भी जाइए, हमने हेल्थ वर्कर्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम के साथ वहां पर भेजी और जितने भी लोग वहां पर, लगभग 150 लोग उस गांव में उस वक्त थे, उन सबको वैक्सीन वहीं लगा कर दिया है। कठिन काम था। अगर हम कहते कि हमने पहली डोज पूरी कर ली, अगर और कुछ लोग ये कहते कि बड़ा बंगाल में कौन गए, हमने कहा कि हम गए, हमारे डॉक्टर्स गए हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के एक गांव है मलाना, कुल्लू जिला में, और उस मलाना गांव की एक अलग दास्ता है और उस गांव में देवता की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। वहां का श्रद्धा का भाव है देवता के प्रति, हमने कहा कि वहां पर भी करना चाहिए। 2000 से ज्यादा लोग उस गांव में रहते हैं और कहा कि बड़ा मुश्किल है गांव वालों को समझाना, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर के परहेज करते हैं और जब तक देवता की अनुमति नहीं होगी तब तक के लिए कतई भी संभव नहीं होगा। हमने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को कहा कि आप जाइए, डॉक्टर्स की टीम साथ भेजी, नर्सेस की टीम साथ में भेजी, जाकर के देवता के पास गए, देवता के कारदारों के साथ बैठे, चर्चा की, बातचीत कही कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंततः गत्वा देवता के वहां जो सारे सब साथी थे, जो कारकुन थे वहां पर, उन लोगों ने देवता से बात की और ऋषि जगदम्बनी ऋषि ने अनुमति दी कि वैक्सीन लगाई जा सकती है और वहां पर शत प्रतिशत वैक्सीन लगा सकते। एक जगह आपने देखा होगा कि डोडरा क्वार भी हमारे हिमाचल प्रदेश का ऐसा इलाका जो बहुत दुर्गम है, छोटे छोटे गांव और उन घरों में पहुंचना बहुत मुश्किल, लेकिन वहां पर भी हमारी स्वास्थ्य की टीम पहुंची और वहां जाकर के घर घर में जाकर के, गांव में तो किया लेकिन जहां एक भी घर था वहां पर भी जाकर के वैक्सीन करवाई। मुझे कुछ दिन पहले वहां जाने का मौका मिला तो हमारे साथ में डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी, 2500 वैक्सीन हम स्वयं साथ लेकर के वहां पर डोडरा क्वार पहुंचे ताकि वैक्सीन के इस अभियान में कहीं भी कमी ना छूटे, इस बात को सुनिश्चित किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब हम ट्राइबल के इलाके की अगर बात कर रहे हैं, सेकंड डोज पूरा करने वाला किन्नौर जिला जो बहुत कठिन है, दुर्गम है, ट्राइबल है, उसने पहला स्थान हासिल किया। जब कोई ठान ले तो मैं समझता हूं कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन है, कितना भी जटिल है, उसको हासिल किया जा सकता है और उस दृष्टि से हमने उस लक्ष्य को भी हासिल किया है।